आज क्या सीन शूट हो रहा है एग्जैक्टली मूवी का? एक्चुअली आज ये फिल्म लॉन्च हो रही है और ये फिल्म का जो है ना बिगनिंग का सीन है जो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा और सलमान भाई की कुछ एंट्री इसी तरीके से हुई थी तो ये सब कुछ उन्हीं से इंस्पायर है। अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार मेरा एक्चुअली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रंजीत शर्मा जी ने मुझे ये एक्चुअली किरदार मुझे सलमान भाई का करने के लिए दिया है, जबकि बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं शुरू से ही उनसे इंस्पायर रहा हूँ और शुरू से उनको फॉलो किया है मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज उन्हीं का ये एक रियल स्टोरी वो मुझे करने के लिए मिलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ। बाकी तो देखिए आप लोग परवाह नहीं चाहते हो, आप ये फिल्म अच्छी बनेगी, मज़ा आएगा आप लोग देखेंगे। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए। फिल्म की कहानी अगर अभी बता दूंगा तो फिर आप लोग को देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। कुछ ब्रीफ क्या होगा आपको ना? नहीं, ब्रीफ तो ये है कि मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ अभी। ब्रीफ तो है, कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये जल्द ही फिल्म कम्प्लीट हो रही है और इसका एक हमारे प्रोड्यूसर की इस तरीके से प्लानिंग है कि 25 तारीख से हम लोग जोधपुर जेल में सेम जगह पे जहाँ पर सलमान भाई की का ये हुआ था तो वहाँ पर ही हम लोग शूट करने वाले हैं और कंटिन्यू इसको फिनिश करेंगे और जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। तो आप जब देखेंगे तो मज़ा आएगा। 25 तारीख को तो वर्डिक्ट भी है सलमान के रेप के केस में, तो आपके पास परमिशन है जोधपुर जेल में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर ने पूरी परमिशन ले ली है और शूटिंग करने की पूरी परमिशन ले ली है। मेन जेल में हम लोग उसी वहाँ पर ही सेम जगह पर सेम स्पॉट पर हम लोग शूट कर रहे हैं। सो डू यू थिंक इट विल बी लाइक हैव यू गाइस स्पोकन टू सलमान भाई एनी चांस? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सलमान भाई से हमारे प्रोड्यूसर को बात करने का एक्चुअली उस बहुत ट्राई किया उन्होंने कि सलमान भाई से मिला जाए, लेकिन सलमान भाई को कहते ना कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इसलिए बात हो नहीं पाई है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो हम करने के लिए जा रहे हैं सलमान भाई को इसमें बुरा लगेगा, बिकॉज सलमान भाई के ही बिहाफ में ये काम हो रहा है और जो भी कुछ हुआ है सलमान भाई, आई लव हिम। सलमान भाई वो इंसान है जो हर एक इंसान का अच्छा ही चाहता है, अच्छा ही सोचता है। उन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर ने हमें ये मौका दिया है उनकी स्टोरी पर काम करने के लिए, तो उनकी एक पॉजिटिव स्टोरी है जो वो हैं वो स्टोरी है। एक्चुअली सलमान भाई जो है ना वो ग्रेट इंसान है, उनके जैसा ना है ना कोई होगा। आपके प्रोड्यूसर ने, फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया बेस्ड ऑन द जोधपुर केस बेसिकली, बट इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, डू यू थिंक देयर विल बी अ लीगल प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा है, इंशाल्लाह अच्छा ही। किसी तरह का दबाव ऐसे लग रहा है, इंसिक्योरिटी है? देखिए कुछ दबाव का मतलब कुछ आदमी कुछ ऐसा काम करता है, नेगेटिव काम करता है तो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो एक तरीके का दबाव होता है। तो इसमें कोई कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें कोई किसी चीज़ का दबाव हो, क्योंकि हम इस फिल्म में वो दिखलाना चाह रहे हैं
जो रियल हुआ है और उसमें सलमान भाई मतलब एकदम बेकसूर है, इसमें वो दिखलाना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आज जो भी सलमान भाई के साथ में हो रहा है, ये अगर किसी भी आम आदमी के साथ में हो तो कोई केयर नहीं करेगा, कोई भी ध्यान भी नहीं देगा। आज सलमान भाई है, ही इज अ स्टार, इसलिए उनके केस को उछाला जा रहा है। समझ लें, आज जैसे कि एक चीज़ होती है कि कोई स्टार के वहाँ पे अभी आम लोगों में कोई किसी की डेथ हो गई है तो ठीक है, सब कुछ किया, दफनाया, ये वो सब हो गया। अब स्टार में होगी तो ये मीडिया ये वो सब 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 बला बला बला, वही सलमान भाई के साथ में हो रहा है। जी आपने जैसे बोला कि ये सलमान भाई है इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाए, तो ये भी एक पब्लिसिटी है उनका नाम यूज़ करके, बिकॉज केस का ये भी तारीख भी नजदीक आ रही है 25, और बिकॉज ही इज अ स्टार तो कहीं पब्लिसिटी के लिए तो नहीं। सलमान भाई को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? सलमान भाई को पब्लिसिटी फिल्म के लिए सलमान का नाम यूज़ किया जा रहा है? नहीं, फिल्म के लिए नहीं है, ये तो ऐसा कुछ नहीं, ये स्टोरी है हमारे प्रोड्यूसर की, वो इस पर काम करना चाहते हैं। थैंक यू।